हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ नॉन साइनसोडल सिग्नल। ये लेक्चर आपके गेट, आईएएस और अदर पीएसयूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ साथ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेन पार्ट पे चलेंगे इंटीग्रेशन पे। अगर आप गेट, आईएएस और किसी भी पीएसयूज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ नॉन साइनसोइडल सिग्नल पता होना चाहिए, इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन पे जाने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ों को यहाँ पे फंडामेंटल चीज़ों को रखना चाह रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट सिग्नल हम लेते हैं इम्पल्स सिग्नल को। तो इम्पल्स सिग्नल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन इम्पल्स सिग्नल पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन इम्पल्स सिग्नल का अपना एक स्पेशल दो तीन वीडियो लग जाएंगे बनाने में, जो कि आपको पता है इम्पल्स सिग्नल हम डेल्टी से इसका नोटेशन होता है, ठीक है, डेल्टी और ये टाइम डोमेन टी, ठीक है। अगर ये आपका डेल्टी है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल्टी को, तो जो आपका डेल्टी का इंटीग्रेशन पे जो मिलता है वो यूटी आपको मिलता है, और यूटी यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी डेल्टी सिग्नल होगा उसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यूटी मिलेगा। बेसिकली यूनिट स्टेप जो सिग्नल होता है, बेसिकली जो इम्पल्स सिग्नल होता है, ये अपवर्ड में हो सकता है या डाउनवर्ड में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अपवर्ड अगर होगा, अपवर्ड मतलब कि जैसे ये सिग्नल अपवर्ड इम्पल्स सिग्नल है, तो ये वर्टिकल लाइन एरिया ऑफ इम्पल्स यानी कि इसका जितना एरिया होगा, ये वन एरिया होगा, टू होगा, उतना ही एरिया ऑफ एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ तक एक लाइन क्रिएट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एक डेल्टी है और एक माइनस डेल्टी है, तो ये डाउनवर्ड है, तो उतना ही आपका एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्रिएशन हो जाएगा आपका। जितना आप यहाँ पे जितने वर्टिकल लाइन उतना ही लेंथ का होगा जितना इम्पल्स सिग्नल का एरिया होगा। तो एरिया यहाँ पे वन, अगर वन है तो एरिया वन हो जाएगा, तो उतना ही वन पे, जो यहाँ माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन डाउन में चला जाएगा, यानी कि ये जीरो स्लोप और फिर माइनस वन यहाँ पे डाउन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इंटीग्रेशन में हम आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि अगर डेल्टी है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा यूटी, और अगर यूटी सिग्नल है यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा आरटी, और जो आरटी होता है वो रैंप सिग्नल, आप जानते होंगे रैंप सिग्नल होता है, इसका जो आरटी होता है, यूटी का आपको ड्रॉ करना है, तो ये यूटी सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे टी होगा, तो ये आरटी मिलेगा, यानी कि यूटी है तो आरटी आपका कुछ ऐसे होगा, आरटी सिग्नल है, सॉरी टी और जीरो। बेसिकली यूटी और आरटी हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए आरटी है तो यहाँ पे ये स्लोप भी है, मतलब ये स्लोप वन है, और अगर इसका इक्वेशन लिखें, चलिए आपको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए कि आरटी सिग्नल है, आरटी सिग्नल को नोटेशन जो होता है डायग्राम बेसिस पे वो ऐसे होता है, स्लोप वन ये यूनिट आरटी सिग्नल है, यूनिट रैंप सिग्नल है, इसे आरटी को रैंप सिग्नल बोलते हैं, ठीक है, रैंप सिग्नल, ठीक है, ये टी हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इस सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं करूँ आर टी इजकल टू, तो ये हो जाएगा टी, कोई स्लोप होगा टी एम टी प्लस सी। तो यहाँ पे देख लीजिए एम इजकल टू अगर वन है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितना है एम, हमें पता नहीं है स्लोप कितना है, बस हमें पता है कि ये आर टी सिग्नल का को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मान लेते हैं हमारा जो आरटी इसको हमने आरटी माना है, ये यानी फंक्शन एफटी सिग्नल है, चाहे आरटी है जो भी है, ये कुछ इस तरीका से, मान लीजिए एफटी सिग्नल जो हुआ आपका वो हो गया एमटी प्लस सी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एफटी बाई डीटी को, तो ये हो जाएगा आपका एम, टी के कोफिशियंट एम हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉन्स्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए एम जो एक कांस्टेंट आपको मिल गया सिग्नल, तो ये यूटी सिग्नल ही होता है। अगर आपका यूटी है तो यूटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैथमेटिकली ये वन हो जाता है, ठीक है,
यानी टी ग्रेटर देन जीरो पे, और जीरो हो जाता है टी लेस देन जीरो पे, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर यूटी है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा। तो बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं यूटी को, तो आप देखेंगे क्या, यूटी डी टी इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट होता है तो ये टी प्लस कोई कॉन्स्टेंट हो जाता है। अगर वन है, अगर यहाँ टू है, तो हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, जो भी होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू एम है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन यही तो आर टी हो गया, क्योंकि ये देखिए इक्वेशन एम टी प्लस सी हो गया था, एम हमारा यहाँ पे स्लोप जैसे कोई कॉन्स्टेंट है, तो ये स्लोप जैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे तो यही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आर टी सिग्नल है यानी रैंप सिग्नल है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका तो आपको मिलता है यू टी, और यू टी को फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मिल जाता है आर टी। तो डिफ्रेंसिएशन का प्रॉपर्टी यही तो होता है कि अगर कोई सिग्नल, मान लीजिए कि ये सिग्नल आपका आर टी है और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी टी, तो ये आपको यू टी मिल जाएगा, और कोई सिग्नल यू टी है और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आर टी मिल जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, जैसे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर तो साइन हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन हो जाएगा। उसी तरह ये भी आर टी का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यू टी हो जाएगा, यू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आर टी मिल जाएगा। उसी तरह रैंप और इसमें भी होता है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, मान लीजिए डेल्टी है, ठीक, डेल्टी इम्पल्स सिग्नल है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यूटी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप यूटी का डिफरें इंटीग्रेशन किए तो यूटी मिला, अगर यूटी का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा यहाँ पे तो आपको फिर डेल्टी मिल जाएगा। यूटी का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि यूटी है सिग्नल, अगर इसका हम डी बाई डी टी करते हैं तो आपको डेल्टी मिल जाएगा। कैसे, क्यों मिला ऐसा, देखिए हमने आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा चुका हूँ। ये मान लीजिए कि यूटी सिग्नल है, वन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका, यूटी सिग्नल है और टी है, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पे हम मैंने आपको बताया था कि स्लोप यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट है स्लोप, तो ये डी यूटी बाई डी टी सिग्नल हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यूटी का, तो जो जो लोग डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर देखे होंगे उनके लिए काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम शुरू से यहाँ से लेके माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट तक हम ये देख लेंगे कहाँ पे हमारा वैल्यू है, कहाँ पे स्लोप कितना है, सब चीज़ें हम चेकअप कर लेंगे। एक बार चेकअप करने के बाद हमने यहाँ देख लिया कि हम यहाँ पे टाइम इंस्टेंट जीरो पे सभी इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट और इंटरवल में हम सभी का स्लोप और वैल्यू, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्लोप इक्वल टू इन्फेनाइट है, प्लस इन्फेनाइट, और उसके बाद जीरो के बाद देखिएगा तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू जीरो है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी स्लोप आपका इन्फेनाइट है और जहाँ पे भी स्लोप माइनस इन्फेनाइट है, उतना ही वैल्यू का, जितना लाइन लेंथ होगा ये, उतना ही वैल्यू का एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट हो जाएगा। यहाँ वन है तो वन वैल्यू का यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल यानी कि डेल्टी जनरेट हो जाएगा, और जहाँ पे स्लोप जीरो होता है वहाँ पे पार्ट ऑफ टाइम एक्सिस का पार्ट बन जाता है डिफरेंशिएशन में। तो देखिए यूटी था, उसका डिफरेंशिएशन किया, हमें डेल्टा मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल था तो उतना ही लेंथ, लाइन लेंथ का हमें एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे स्लोप जीरो है, जहाँ पे भी स्लोप जीरो होता है वो डिफरेंशिएशन में पार्ट ऑफ टाइम एक्सिस हो जाता है। फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यूटी मिल जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक था, ठीक है। अगर देखिए आरटी सिग्नल है, ठीक है, आरटी सिग्नल को फिर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पैराबोलिक सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये सीधे पीएसयू और जैसे एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो या छोटे एग्जाम दिए जा रहे हैं, डीडीएमआरसी का एग्जाम देने, तो वहाँ पे सीधे पूछता है कि अगर हम कोई भी सिग्नल, जैसे कि आपका यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, अगर यूनिट स्टेप का सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको यूनिट रैंप सिग्नल हमें मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि बेसिकली रैंप सिग्नल मिलेगा, अगर हम रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा, अगर हम स्टेप सिग्नल मिलेगा बेसिकली, और अगर हम यूटी सिग्नल का यानी कि स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इम्पल्स सिग्नल मिलेगा, और इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करते हैं तो यूटी मिलेगा यानी कि स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए मेन मुद्दा पे चलते हैं, और थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वाइज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने के लिए, एक जगह आपको सभी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए।
तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना के यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चार्ट बना के मैंने लिख दिया है कि डेल्टी को अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यूटी मिलेगा, जो कि स्टेप सिग्नल होगा। देखिए यूटी सिग्नल, डेल्टी सिग्नल, आरटी सिग्नल या पैराबोलिक सिग्नल, ये अगर किसी को पता नहीं है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके बाद जो टॉपिक होंगे उसमें हम इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को भी देखेंगे लोग, ठीक है। तो काफ़ी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सभी सिग्नल को समझना और उसके प्रॉपर्टी को समझना, तो वो हम वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसका अगर डेल्टी का इंटीग्रेशन होता है तो यूटी होता है, यूटी का इंटीग्रेशन होता था आरटी होता है, आरटी का इंटीग्रेशन पीटी होता है। पीटी इज इक्वल टू बेसिकली पैराबोलिक सिग्नल और आरटी इज रैंप सिग्नल और यूटी इज द स्टेप सिग्नल। नेक्स्ट है, अगर यूटी का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका डेल्टी होता है, आरटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यूटी होता है, और पीटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आरटी होता है। और कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि हम डेल्टी का डिफरेंशिएशन कर दें तो बेसिकली डेल्टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल डॉट टी हो जाता है, डेल डैश टी, क्योंकि आपको पता है कि ये डैश जो होता है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली देखिए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़िएगा तो वहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। हालांकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर एडवांस लेवल जाता है तो वो कर सकता है। जैसे कि किसी भी सिग्नल का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। तो डेल्टी का जो लैपलास, अगर आप लैपलास तो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन आपको जान दीजिए डेल्टी का लैपलास 1 होता है। लेकिन अगर डेल डो डैश टी का लैपलास होगा तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से, किसी भी सिग्नल का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें एस से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और जो सिग्नल है बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन की जगह आप एस लिख लीजिए, और जो सिग्नल है उसका लैपलास इंडिविजुअली लिख के मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो डेल्टी का जो लैपलास होगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एस। तो देखिए ये वहीं पर इस्तेमाल होता है कि अगर हम डेल्टी का डिफरेंशिएशन करें तो डेल डैश टी हो जाता है, और डबल डिफरेंशिएशन करें तो डबल हो जाता है, और डबल फिर यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाता है। तो ये हम लैपलास में देखेंगे कि डेल्टी को भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके भी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ तक अभी जितना मुझे समझाना था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ स्टेप को देख लेते हैं कि कभी भी एडवांस लेवल के किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करना हो तो हमें किस पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये मैंने 4 स्टेप लिखा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मान लीजिए कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट है उसमें सबसे पहले आप मूव कर दें माइनस इन्फेनाइट टू इन्फेनाइट। माइनस इन्फेनाइट टू इन्फेनाइट मूव करने का मतलब आप ग्राफ को एटलीस्ट देख लीजिए, ये नहीं कि सिर्फ आप जीरो के आगे ही कंसिडर कर लीजिए गलती से। आप पहले माइनस जो टाइम डोमेन में माइनस में भी वैल्यू है उसको भी आप कंसीडर कीजिए, सभी को आप देख लीजिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक प्रोसेस होता है बताने का, ठीक है। स्टेप 2 है जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू इन द टाइम डोमेन इंटरवल एंड ऑब्जर्व इम्पल्स फंक्शन, यानी कि जो भी टाइम डोमेन पे आपके सिग्नल है उसकी वैल्यू को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि उसकी क्या वैल्यू है और कहाँ कहाँ पे इम्पल्स सिग्नल आपको रिप्रेजेंट है, यानी कहाँ कहाँ पे इम्पल्स सिग्नल दिया हुआ है। ये पता करने के बाद थर्ड पॉइंट पे आइएगा और ये देखिएगा एम्प्टी सिग्नल। एम्प्टी सिग्नल मीन्स जो सिग्नल गिवन है वो अगर हॉरिजेंटल लाइन है, मान लीजिएगा कोई एम्प्टी सिग्नल है और ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये एम्प्टी सिग्नल है और ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन है तो उस केस में अगर इस सिग्नल का इंटीग्रेशन करूँ, यानी कि एम्प्टी का इंटीग्रेशन करूँ, यहाँ पे डीटी आप लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है, इंटीग्रेशन करूँ तो लाइन विथ स्लोप वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है हॉरिजेंटल लाइन के, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू है उतना ही वैल्यू का एक स्लोप हमें, उतना ही जितने वैल्यू है, यहाँ 2 है तो 2 स्लोप का एक स्लेंट लाइन ड्रॉ होगा उसी टाइम इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल में एम्प्टी सिग्नल गिवन होगा। जैसे इस केस में बात करूं मैं तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे 2 है तो एक 2 स्लोप का यहाँ पे लाइन हो जाएगा, प्लस 2 स्लोप होगा इसका, और ये एक देखिए 2 स्लोप का एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो कि स्लेंट लाइन बोले गए, ठीक है। तो ये अब इंटरवल देखिए 0 से इन्फेनाइट है तो हमने भी 0 से इन्फेनाइट कर दिया हमें, लेकिन नेक्स्ट में और आपको अच्छा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को बड़े लेवल पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आई थिंक कंप्लीट हो गया, हाँ
फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर एम्प्टी सिग्नल में, यानी कि जो आपको गिवन सिग्नल है उसमें, वो इम्पल्स सिग्नल गिवन है उसमें, तो इम्पल्स सिग्नल अगर होगा तो दो इम्पल्स सिग्नल दो तरह के होंगे, एक अपवर्ड इम्पल्स हो सकता है, एक डाउनवर्ड इम्पल्स हो सकता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड ये समझ लीजिए कि कोई ये एम्प्टी सिग्नल है तो कोई ये अपर की तरफ जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू 4 है, तो ये अपवर्ड सिग्नल हुआ। अगर ये नीचे माइनस की तरफ ये मूव कर रहा है तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड इम्पल्स इसे बोलेंगे, ठीक है। तो अपवर्ड सिग्नल का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, अपवर्ड इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, अपवर्ड सिग्नल का नहीं, अपवर्ड इम्पल्स सिग्नल का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्टिकल लाइन, जैसे उसका जी, अगर ये एम्प्टी सिग्नल है, अगर मैं इसका, इस ये जो 4 है वैल्यू, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इस इम्पल्स सिग्नल का ये डेल्टी है, तो इस इम्पल्स सिग्नल का सिर्फ आपको वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, और कितने मैग्नीट्यूड का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन का एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल, तो जितना इसका इम्पल्स सिग्नल का एरिया है, इसका एरिया कितना है, 4 है, ठीक है, तो 4 अगर है तो 4 मैग्नीट्यूड का ही हम यहाँ पे लिख लीजिए 4 है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्टी सिग्नल हो रहा है, ठीक है, एम्प्टी एम्प्टीट्यूड, ये 4 मैग्नीट्यूड का हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। और सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई डाउनवर्ड इम्पल्स है तो एम्प्टी सिग्नल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डाउनवर्ड लाइन एक हम ड्रॉ करेंगे एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल का, यानी कि यहाँ से हम जाएंगे, अगर ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो 1 से 2 के बीच में हम यहाँ पे 2 करेंगे, और यहीं पे एक डाउनवर्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए, जितने इसका एरिया होगा, यानी -4 है इसका एरिया, तो ये -4 ही नीचे डाउनवर्ड में चला जाएगा, तो ये अप 4 और ये डाउन 4, तो ये हो गया इस सिग्नल का इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी बताते बताते भी हमने आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। तो चलिए कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेसिक करेंगे फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे। ये क्वेश्चन है, एफ टी गिवन है आपको, सिर्फ इम्पल्स सिग्नल एक यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लीजिए, आप अपने से कुछ भी मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, 4 मान लीजिए, ठीक है, तो 4 है। अगर मैं इस एफ टी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पे 4, ठीक, मैग्नीट्यूड 4 है तो 4, और डेल टी माइनस 3 रिप्रेजेंट होगा। शिफ्टिंग हमने किया है कि जो डेल्टी सिग्नल है वो राइट साइड 3 टाइम डोमेन में 3 शिफ्ट कर गया, तो ये सिग्नल को अगर मैथमेटिकल अगर आपको गिवन हो तो इस तरह रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का कोई भी ग्राफ दिया हो उसका हम कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट लिखेंगे और किसी मैथमेटिकल का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये सभी नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अब माई एकेडमी के साथ बस बने रहिए, ठीक है। एफ टी है इसको, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ तो सीधे इस डेल्टी सिग्नल का हम यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टी का तो यूटी होता है, यानी डेल्टी सिग्नल का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया था जो यूटी होता है, ठीक है, यानी यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। तो सीधे अगर मैं एफ टी का इंटीग्रेशन करूँ, मैथमेटिकल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफ की सीधे बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपका इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 यू टी माइनस 3। अगर मैं इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करूँ तो 3 वैल्यू पे, यानी कि राइट साइड 3 से यहाँ पे इसे स्टार्ट होके ये 4 मैग्नीट्यूड का ये सिग्नल हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है, एफ टी आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये टी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ये मैथमेटिकल टर्म से हमने पहले मैथमेटिकल इस ग्राफ को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख लिया और उसको इंटीग्रेशन करके फिर हम जो इंटीग्रेशन आया उसका हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू डी टी, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि डेल्टी है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जहाँ भी डेल्टी होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या हमारा इम्पल्स सिग्नल है, तो फोर्थ जो स्टेप था उसमें, तो यहाँ पे अपवर्ड है, तो अपवर्ड जहाँ पे भी अपवर्ड है और जितना आपका एरिया होगा इम्पल्स सिग्नल का उतना ही वर्टिकल उतना ही मैग्नीट्यूड का लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो इसका एरिया 4 है इम्पल्स सिग्नल का, तो ये 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक ये इम्पल्स नहीं ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे हम मूव कर देंगे और इसको आगे पास कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहीं पे हमारा डाउनवर्ड इम्पल्स नहीं है, नहीं है डाउनवर्ड, तो हम इसी ग्राफ को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस सिग्नल हो गया, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
इस ग्राफ को देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप यही था, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इस ग्राफ दिया हुआ है, इसका इसका यह है कि आप पहले मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लीजिए और उसके बाद भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, डेल्टी का यूटी, यूटी का आरटी, और उसके बाद आप उसको ग्राफ में फिर रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन उस तरह हमें नहीं करना है, ठीक है, वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, सीधे हम ग्राफ से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे इंटीग्रेशन का पार्ट। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, लेफ्ट टू राइट मूव कर जाइए, और सेकंड स्टेप बताया था, आप देख लीजिए कहाँ पे वैल्यू है, यानी यूनिट स्टेप सिग्नल है, और कहाँ पे इंपल्स सिग्नल है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। थर्ड में हमें जैसे अगर स्टेप सिग्नल होता है तो जितना मैग्नीट्यूड का स्टेप सिग्नल होगा उतना ही स्लोप का एक स्लेंट लाइन बन जाएगा, और जहाँ जहाँ पे इंपल्स होगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और उतना ही बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सॉरी वर्टिकल लाइन हो जाएगा, यानी और उतना ही वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे जितना कि इंपल्स सिग्नल का एरिया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंपल्स सिग्नल और एक -28 का यहाँ पे भी इंपल्स सिग्नल रिप्रेजेंट किया गया है, दो जगह इंपल्स सिग्नल रिप्रेजेंट है, और -6 और 0 के बीच में एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल है, 2 मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे भी 3 से और 4 के बीच में देखिएगा तो, सॉरी 8 है ये, 8 के बीच में देखिएगा आप, तो यहाँ पे 0 स्लोप का यानी स्टेप सिग्नल गिवन है और मैग्नीट्यूड आपका 2 है। तो सबसे पहले जैसा जैसा मैंने बताया था वैसे वैसे कर दीजिए, आप कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ टी है, एम टी सिग्नल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ स्लोप ये पॉइंट है ना, वहाँ उस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ उसी के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 3 है और ये 8 है, तो देखिए 6 और 0 के बीच में अगर देखें, 6 और 0 के बीच में, तो यहाँ 2 मैग्नीट्यूड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे गिवन है, तो इसके बीच में 0 और 2 के बीच में एक 2 स्लोप का एक सिग्नल ड्रॉ होगा, तो 2 स्लोप का यहाँ पे एक स्लेंट लाइन आपका यहाँ पे स्लोप 2 है। तो जब बताइए आप कि यहाँ पे अगर बेस आपको पता है और यहाँ पे बेस भी पता है और यहाँ पे स्लोप भी पता है, तो ये हाइट आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप m इजिकल टू पी बाई बी का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे m 2 है, b 6 है, तो p इजिकल टू 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 12 हो गया। और 0 की बात करें यहाँ पे 0 पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको 6 गिवन है, इसके बाद यहाँ पे इंपल्स सिग्नल, तो इसके ऊपर भी एक इंपल्स 6 ऊपर तक हमें जाना होगा। तो जहाँ पे आपका इंपल्स सिग्नल गिवन होगा इंटीग्रेशन में, उतना ही एरिया का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर दिए, तो ये 18 पे आ जाएगा, यानी 12 तो इसका इनिशियल पॉइंट है और 12 के बाद ही 6 है ये, ठीक है, ये टोटल, ठीक है। यहाँ से आपको जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इंपल्स सिग्नल जो गिवन है यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया है, ना कि यहाँ से किया गया है, इसलिए हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 18 ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हम 0 और 3 के बीच में देखेंगे तो कोई सिग्नल नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे 3 पे आते हैं। 3 पे एक देखेंगे आप यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि जब भी इंपल्स सिग्नल होगा उसका इंटीग्रेशन स्टेप सिग्नल होगा, तो यहाँ पे 0 और 3 के बीच में यहाँ पे चले जाइए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे -28 डिक्रीज कर रहा है, यानी -28 इंपल्स सिग्नल, यहाँ पे -28 इंपल्स सिग्नल रिप्रेजेंट है, यानी डाउनवर्ड की तरफ, तो उतना ही एरिया का लाइन लेंथ ड्रॉ होगा, 28 का लाइन का आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये -18 है प्लस, तो यहाँ पे -18 आ गए और फिर यहाँ पे नीचे चले गए 10 तक चले गए, -10 तक, तो ये टोटल लाइन -18 से 10 तक -28 आ गया। और ये 3 और 8 के बीच की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और प्लस 2 मैग्नीट्यूड है, तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 और 8 के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी एक 2 मैग्नी, यहाँ पे 2 अगर मैग्नीट्यूड है तो 2 ही स्लोप का एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी 8 पे जाके ये इंड हो रहा है, ये प्लस 2 स्लोप का एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरी बात, अगर हमने ड्रॉ किया तो अब उसके बाद 8 के बाद हम देखेंगे तो कोई लाइन नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप यहाँ से आप ले जाके यहाँ पे मिलान कर रहे हैं 8 पे, तो क्या आपको ये देखना होगा कि क्या हमारा जो इस इक्वेशन जो है इसके बीच में जो स्लोप है, हाइट है, वो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बेस हमारा है
टोटल 5, ठीक, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, इस ट्रेंगल की बात करें तो। और यहाँ पे स्लोप है 2 और आपका जो लेंथ है टोटल ये डाउनवर्ड इसके बीच में एक 10 है, -10 है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर m इजकल टू पी बाई बी का आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो परपेंडिकुलर 10 है अगर और बेस आपका 5 है तो 10 में से और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि हमने जो ड्रॉ किया है ये करेक्ट है। तो देखिए इस सिग्नल का इंटीग्रेशन ये सिग्नल होगा और आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, फिर भी एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए जहाँ भी वर्टिकल लाइन हो और जितने मैग्नीट्यूड का वर्टिकल लाइन हो उसका इंटीग्रेशन में उतना ही वैल्यू का स्लोप का हम एक स्लेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे या ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। दूसरी चीज, जहाँ जहाँ पे इम्पल्स सिग्नल होगा उतना ही अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे -20/80 इम्पल्स सिग्नल था तो यहाँ पे हमने -28 डाउनवर्ड चले गए लाइन लेंथ में, ठीक है। उसके बाद 3 और 8 के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो आपका +2 मैग्नीट्यूड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो +2 का स्लोप ड्रॉ होगा। अगर यहाँ -2 होता, अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे -2 स्लोप होता, यहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव चल जाती, डाउनवर्ड चली जाती, ठीक है। तो जैसे होगा प्लस माइनस उस तरह हम इसको बदल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्वेश्चन गिवन है और रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे 0 और 2 के बीच में एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मैग्नीट्यूड 2 है और 2 और 8 के बीच में -2 मैग्नीट्यूड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, आपको पता है अगर आप 3 स्टेप मैंने बताया है उस 3 स्टेप पर आप काम करते हैं तो आपका कोई भी इंटीग्रेशन गलत नहीं होगा एग्जाम हॉल में। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें देख लेना होगा कि कहाँ से कहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट है। आपको पता है 0 से लेकर 10 तक ग्राफ रिप्रेजेंट है, उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड पता है, कोई भी इम्पल्स सिग्नल रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी इम्पल्स सिग्नल नहीं है। तो हमें सिर्फ देखिए 0 और 2 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैग्नीट्यूड 2 है तो हमें 0 से 2 के बीच में +2 स्लोप का एक लाइन हमें ड्रॉ कर देना होगा। देखिए +2 लाइन का हमने एक स्लोप ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए +2 हमें स्लोप भी पता है और बेस भी पता है तो हमें अपने आप से इसका हाइट पता चल जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 8 के बीच में बात करें, 2 और 8 के बीच में -2 स्लोप का एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा जो स्लोप 2 होगा, -2 स्लोप का एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, कर लीजिए। और ये -2 है और यहाँ पे बेस देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक रिप्रेजेंट देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल विड्थ है, यानी कि यहाँ पे यहाँ दोनों के बीच में बेस है जो अगर इसको ट्रायंगल समझे तो बेस बोले या इसके इसके बीच के डिस्टेंस बोले तो 6 है और -2 आपका स्लोप है तो 6 और -2 यानी -12 आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं होता, जब भी ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि 4 पे ये कट करेगा, ये ग्राफ जो है यहाँ पे 4 पे कट करेगा तो ये 4 और 8 के बीच में डिस्टेंस 4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा तो 4 और -2 -8 यहाँ पे -8 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 और 8 के बीच में एक +2 का हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा +2 और यहाँ पे एक +2 का एक स्लोप लाइन यानी कि स्लेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और आपका ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन ये इंटीग्रेशन रॉन्ग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये इंटीग्रेशन रॉन्ग है और कैसे रॉन्ग है ये मैं आपको अभी बताता हूँ और इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ बताया था कि ये +2 है तो स्लोप का आप वेरीफाई जरूर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए इसके बीच का बेस जो है 2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और स्लोप देखिए आप 2 है तो अगर इसकी डिस्टेंस अगर आपने निकालना है P यानी कि m इजकल टू P बाई बी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके और इसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी इसको हाइट समझ लीजिए। तो P बाई बी फार्मूला पर आप अप्लाई कीजिएगा तो स्लोप आपका 2 है और बेस भी 2 है और तो P आपका 4 आएगा, अगर -2 है तो -4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे
सॉरी प्लस माइनस मत देखिए, बस वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे पी बाई टू है, तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो ये वैल्यू है, ये 4 आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस 8 है। इसका मतलब हमारा जो ये ग्राफ है वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो इसको करेक्ट कैसे करें, हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर टू स्लोप है प्लस टू, तो हमें कभी भी माइनस 8 प्रूफ करके दिखाना होगा। तो देखिए हम इस ग्राफ को कहाँ तक रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कि प्लस टू आ जाए। तो देख लीजिए ये 10 है, अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये 2 हो गई और ये 2 हो गई, और तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम कैसे करें कि ये हमारा जो ये स्लोप है और ये डिस्टेंस है वो मैच कर जाए। तो देखिए यहाँ से प्लस टू स्लोप है और बेस यहाँ पे 4 है, 2 है, टोटल 8 2, और यहाँ पे स्लोप आपका 2 है, तो 2 और 2 यानी 4, हमें यहीं से ग्राफ इंड कर देना होगा और इसके आगे हमें वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर देना होगा 0 स्लोप का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इंटीग्रेशन आपको मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा, इसका ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप माई अकेडमी को डोनेट करना चाहते हैं यानी कि हमारे जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अबाउट मोबाइल से देख रहे हैं तो आप अबाउट सेक्शन में चल जाइएगा चैनल में, वहाँ से डोनेशन का ऑप्शन जाकर आप पेटीएम और पेटीएम से या आप तेज से या इंटरनेट बैंकिंग के वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डोनेशन का एफर्ट, वहाँ पे लिखा होगा कि सपोर्ट आवर एफर्ट, तो वहाँ से आप क्लिक करने के बाद आप बैंकिंग डिटेल भी देख सकते हैं, वहाँ से पैसा इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, कोई आपको फोर्स नहीं है, और अनकंडीशनली अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तभी आप कीजिएगा, और अदरवाइज कोई आपसे जोड़ नहीं है, और उसके बाद जैसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है, जैसे कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो पेटीएम या तेज से, गूगल तेज या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप 7503304182 याद रखिएगा 3307503304182, ये पेटीएम या तेज से इस पर पैसा भेज सकते हैं आप सपोर्ट करने के लिए, और इसी नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सअप कर देना इसी मैसेज पे, मैं आपको स्पेशल ग्रुप में आपको सम्मिलित कर लूँगा माई अकेडमी के स्पेशल ग्रुप में, जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको खुद कॉल करेंगे आपको सपोर्ट के लिए, ठीक है, जब भी हमें टाइम मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को आप ग्रुप में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।